सेवा सिंह सेखवा जी और उनका पूरा परिवार, उन्होंने पंजाब के लिए बहुत कुछ किया है। मैं तो राजनीति में नया हूं, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है कि उनका, उनके फादर साहब का, उनके परिवार का पंजाब की राजनीति में कितना बड़ा योगदान रहा है और पंजाब के विकास के अंदर कितना बड़ा योगदान रहा है। अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, तो आज उनकी हालचाल पूछने के लिए मैं उनके घर आया हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको जल्दी ठीक करें, उनको लंबी आयु बख्शें और जिंदगी में वो जो भी करें उनको पूरी सफलता बख्शे ऊपर वाला। मुझे बेहद खुशी है कि आज उन्होंने, वो हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने हमें अपना बच्चा समझ के अपना आशीर्वाद दिया और आज हमारे परिवार में शामिल हुए हैं। हम पूरे दिल से सब लोग हम उनका अपने परिवार में स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमें बताते रहें कि हमें कैसे क्या क्या काम करना है। और जो मिशन हम लोग लेके चले हैं, हमारा मिशन है जैसे दिल्ली के अंदर हम लोगों ने, हमारी नई नई पार्टी है, हमें राजनीति करनी नहीं आती, हम नए नए लोग हैं, हम राजनीति में आए हैं देश का सुधार करने के लिए, समाज का सुधार करने के लिए। जैसे दिल्ली में हमने अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे अस्पताल बनाए, अच्छी सड़कें बनाई, बिजली फ्री करी, पानी अच्छा करा, हमारा मिशन है कि हम ऐसा पंजाब बनाएं, पंजाब जो कि एक समय में देश का नंबर वन सूबा होता था, हम एक ऐसा पंजाब बनाएं जहां पे अमन चैन हो, सुख शांति हो, सबका विकास हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, फ्री शिक्षा मिले, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके परिवार को अच्छा इलाज मिले, सबको बिजली अच्छी मिले, सबको, किसानों को, मजदूरों को, सबको न्याय मिले, सबका विकास हो। इस मिशन को लेके हम लोग चले हैं और हम समझते हैं कि आज सेवा सिंह सेखवा जी हमारे परिवार में जो शामिल हुए हैं, हमारे इस मिशन को बहुत तेजी मिलेगी, बहुत बल मिलेगा और मिलके हम लोग पंजाब को अच्छा बनाएंगे। उस पे तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं बस एक दो चीज ये कहना चाहता हूं। एक तो अभी एक दो दिन पहले मैंने कुछ बयान सुने थे कश्मीर को लेके, देश को लेके। मेरा ये मानना है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, हमको कोई अलग नहीं कर सकता, कोई जुदा नहीं कर सकता। इस तरह के बयान सही नहीं है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, यहां पे अगर कोई भी बयान दिया जाता है तो बहुत सोच समझ के और जिम्मेदारी के साथ दिया जाना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि इन चीजों के ऊपर हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम एक ऐसा पंजाब बनाना चाहते हैं जहां पे अमन चैन हो, सुख शांति हो, चाहे किसी भी धर्म का आदमी हो, चाहे किसी भी जाति का आदमी हो, सबका विकास हो। सोच समझ के और
जिम्मेदारी के साथ दिया जाना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि इन चीजों के ऊपर हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम एक ऐसा पंजाब बनाना चाहते हैं जहां पे अमन चैन हो, सुख शांति हो, चाहे किसी भी धर्म का आदमी हो, चाहे किसी भी जाति का आदमी हो, सबका विकास हो।